डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। पशुधन एवं दुग्ध विकास और मेरठ जिले के प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि 22 जनवरी को सभी बाजार बंद रहेंगे। सभी लोग घरों में प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर दिवाली मनाएं। इस रोज बिजली की आपूर्ति निर्बाध जारी रहेगी। प्रभारी मंत्री ने यह भी कहा कि राम मंदिर के नाम पर सपा बसपा में अन्य विपक्षी राजनीति कर रहे हैं, इन्हें मुस्लिम वोट कैसे मिले बस यही चिंता है, जबकि हकीकत यह है कि सभी जगह राममय माहौल बनता जा रहा है, मुस्लिम भी इससे जुड़ रहे हैं। मेरठ पहुंचे प्रभारी मंत्री आज विभागीय कार्यों की समीक्षा के बाद मीडिया से वार्ता कर रहे थे। इससे पूर्व उन्होंने दिल्ली रोड स्थित सरस्वती लोक में नवनिर्मित श्री जागेश्वर धाम मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। कैंट विधायक अमित अग्रवाल ने यह मंदिर बनवाया है। 22 जनवरी को यहां शिव परिवार की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। कल यानी 18 जनवरी को यहां डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य भी पहुंच रहे हैं। पहले देखिए मीडिया से क्या कहा प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने। जनपद मेरठ बहुत अच्छी व्यवस्था में है, सर्वांगीण विकास हो रहा है, कानून व्यवस्था पुलिस की और सुधार की आवश्यकता है, सारे सर्किल ठीक से काम करें इस व्यवस्था पर निर्देशित कर दिया गया है। योगी सरकार कानून व्यवस्था को चाकचौबंद करते हुए उत्तर प्रदेश में निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास हो रहा है, और इन सभी विषयों पर आज समीक्षा में हमने चर्चा की है। आगे आने वाले समय में जैसे 22 जनवरी को बिजली की कोई कटौती ना हो कहीं किसी भी तरीके से, और सभी दुकानें बंद रहें, ये सारा सिस्टम डेवलप करने को विशेष व्यवस्था से कह दिया गया है। सभी स्तरों पर जैसे मैंने कहा विकास और सुरक्षा का चाकचौबंद व्यवस्था करने के निर्देश। लेकिन जो व्यापारी वहाँ तैयारी की है 22 तारीख की, उसका तैयारी की है, मार्केट सजाई है, दुकानें सजाएं, दिवाली मनाएं पूरी तरीके से, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दुकानें नहीं खुलेंगी। आप लोग उत्सव मनाएं, उत्सवों में भाग लें। हमने कहा दीपावली मनाएं पूरी तरीके से, कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी। उद्देश्य ये है कि सब ठीक से प्रभु श्री राम के दर्शन करें अपने घर बैठे, और आज देश दुनिया में जगत गुरु की श्रेणी में जा रहा है। माननीय अखिलेश जी क्या कह रहे हैं आप समझ में आता है। इन सारे दलों पर असलियत में तो ये राजनीतिक सोच है, इन दलों का राम मंदिर पर राजनीति तो ये सपा बसपा कांग्रेस दल के लोग कर रहे हैं, क्योंकि ये चिंता है कि मुस्लिम वोट कैसे इन्हें मिले। इनको मुस्लिम वोट हथियाने की चिंता है कि मुस्लिम वोट हमें कैसे मिलेगा। इन्हें पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की चिंता नहीं है, इन्हें मात्र मुस्लिम वोट कैसे मिले ये कहकर चिंता है। भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी ने कभी बिरादरी के आधार पर राजनीति, माननीय मोदी जी ने कहा हमारे देश में 4 बिरादरियां हैं, बेरोजगार नौजवान, महिला, किसान और युवा। ये 4 बिरादरियों को जोड़कर देश को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है, तो उसी तरीके से आज जो सिस्टम डेवलप हुआ है, तो माननीय मोदी जी ने आज मोदी जी ने जो विकास की जो परिभाषा की है, विकास अब सच में चारों ओर राम का वातावरण, मुसलमान भी राम का नाम ले रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।